जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा की। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 के टॉप 5 कथावाचकों की कुल संपत्ति के बारे में। हम इस वीडियो में आपको इन सभी 5 कथावाचकों की YouTube से होने वाली कमाई के साथ साथ इनकी कुल संपत्ति के बारे में भी बताएंगे। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी कथावाचक को कमाई या संपत्ति के आधार पर छोटा या बड़ा बताना नहीं है। यह वीडियो सोशल मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर बनाई गई है। हम सभी कथावाचक को आदर व सम्मान करते हैं। वैसे तो मित्रों, किसी भी कथावाचक का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। इनका उद्देश्य केवल और केवल लोगों को भक्ति से जोड़ना होता है। इनकी कमाई का आधे से भी ज्यादा धन इनके द्वारा चलाई जा रही सेवाओं में खर्च हो जाता है। जैसे कोई कथावाचक आश्रम चला रहा है, कोई गौसेवा कर रहा है, कोई गरीब कन्याओं की विवाह कर रहा है, और कोई कोई तो आजीवन विशाल भोजन भंडारा भी करवा रहा है, और कोई कोई कथावाचक तो ऐसे हैं जो यह सब एक साथ करवा रहे हैं, जिससे इनकी होने वाली कमाई का आधे से भी ज्यादा धन इनकी सेवाओं में खर्च हो जाता है। परंतु मुझे जो सोशल मीडिया से जानकारी मिली है, उसके द्वारा मैं आपको इनकी संपत्ति के बारे में बताऊंगा। तो संपत्ति के आधार पर टॉप 5 की सूची में नंबर 5 पर आती हैं राजस्थान की मशहूर कथावाचिका देवी जया किशोरी जी। यह मात्र 9 वर्ष की आयु से ही अध्यात्म से जुड़ गई थीं, जिसके कारण जया किशोरी जी के पास ज्ञान का विशाल भंडार है। और मात्र 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने भक्तों के दिल में भजन और कीर्तन से जगह बनाई है। यह एक कथावाचिका के साथ साथ एक अच्छी गायक व मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनकी कमाई के बारे में हम बात करें तो यह यूट्यूब से एक महीने में 10 लाख रुपए तक कमाती हैं। और इनकी कुल संपत्ति के बारे में बात करें, सोशल मीडिया पर इनकी कुल संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए बताई गई है। अब संपत्ति के आधार पर नंबर 4 पर आते हैं बागेश्वर धाम सरकार। इनका असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है और यह छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने स्कूली शिक्षा के साथ साथ स्नातक भी पास किया है। इनके देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इनके दीवाने हैं। इनकी बुंदेली बोली लोगों के हृदय को स्पर्श करती है। अगर हम इनकी YouTube से होने वाली एक महीने की कमाई के बारे में बात करें तो यह YouTube से हर महीने 40 लाख रुपए तक कमाते हैं। और सोशल मीडिया से प्राप्त कुल संपत्ति की जानकारी के बारे में बात करें तो इनके पास 25 से 30 हजार करोड़ की संपत्ति है। अब संपत्ति के आधार पर नंबर 3 पर आते हैं सीहोर मध्य प्रदेश के रहने वाले बेहद मशहूर शिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले। इनका उपनाम रघुराम है। इन्होंने पढ़ाई में स्नातक पास किया है और इनके कथा में बताए गए उपायों करके लोगों को बेहद फायदा हो रहा है, जिसके कारण भक्त दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इनके YouTube से हर महीने 30 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। और इनकी कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो इनकी कुल संपत्ति 33,000 करोड़ की है। अब इस टॉप 5 की सूची में नंबर 2 पर आते हैं वृंदावन के मशहूर कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। इन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में भागवत पुराण को कंठस्थ कर लिया था। इनको 2015 में यूपी रत्न से विभूषित भी किया जा चुका है। इनको बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बड़ा भाई भी कहा जाता है। इनके यूट्यूब से एक महीने में होने वाली कमाई के बारे में बात करें तो यह हर महीने यूट्यूब से 22 लाख रुपए तक कमाते हैं और इनकी कुल संपत्ति 36,000 करोड़ की है। तो मित्रों, अब इस टॉप 5 की सूची में नंबर 1 पर आते हैं वृंदावन के बेहद मशहूर कथावाचक परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था और इन्होंने बाल उम्र में ही हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर लिया था। और स्कूली शिक्षा के उपरांत महाराज श्री वृंदावन चले गए थे। महाराज श्री का गौरी गोपाल आश्रम भी है, जिसमें 200 से भी ज्यादा वृद्ध माताएं हैं। यह रोजाना 20,000 संत व बेसहारा लोगों को भोजन भी कराते हैं। और महाराज श्री के 3 यूट्यूब चैनल हैं, जिसकी एक महीने की अनुमानित कमाई 1 करोड़ रुपए तक है। और अगर हम इनकी कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी में इनकी कुल संपत्ति 41,000 करोड़ की है। और यह इन सभी 5 कथावाचकों में संपत्ति के आधार पर सबसे आगे हैं। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारी सी कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय सियाराम।